नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। अस्पताल में अनुबंध कर्मियों ने किया तालाबंदी। सेवा नियमितीकरण की मांग को लेकर झारखंड राज्य NRH MNHAM JNM अनुबंध कर्मचारी संघ एवं झारखंड राज्य अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मी संघ के संयुक्त में पारा चिकित्सा कर्मी ANM GNM फार्मासिस्ट एक्सरे टेक्नीशियन लैब टेक्नीशियन आदि का अनिश्चितकालीन हड़ताल पिछले कई दिनों से चल रहा है। सरकार के अड़ियल रवैये के विरोध में हड़ताली कर्मी गोमिया अस्पताल में तालाबंदी करके धरने पर बैठ गए हैं। हड़ताल कर रहे कर्मियों की मांग है कि सरकार उनकी सेवा स्थायी करें। उनका कहना है कि बार बार के आश्वासन के बाद भी सरकार के ढीले रवैये के कारण उनका भविष्य अंधकार में लटका हुआ है। कर्मियों ने अपनी मांग को लेकर 24 जनवरी से आमरण अनशन करने का भी ऐलान किया है। इस संबंध में हड़ताली कर्मियों ने कहा कि विगत 16-17 वर्षों से वे लोग अत्यंत कम मानदेय में काम कर रहे हैं। अपने परिवार वालों की परवाह किए बिना कोरोना काल में आम जनता की सेवा में जुटे रहे। कोरोना काल की सेवा को लेकर सरकार ने कोरोना वॉरियर का दर्जा देते हुए नियमितीकरण का वादा किया था, लेकिन अब सरकार उस वादे को भूल जा रही है। इसलिए सरकार के वादा खिलाफी के खिलाफ आज को धरने पर बैठे हुए। इस दौरान कर्मियों ने अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी भी की। वहीं कर्मियों के हड़ताल की वजह से स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई नजर आ रही है। इलाज के लिए अस्पताल में आए हुए कई लोगों को वापस लौटना पड़ रहा है। हम लोग का सरकार से बस यही मांग है, JSX वाले लोग भी हैं, हम लोग का सरकार से यही मांग है कि हम लोग को जल्द से जल्द नियमित किया जाए। हमारे कुछ साथी लोग का हालत बहुत ही ज़्यादा गंभीर है, अगर उनमें से किसी को भी कुछ हो जाता है तो इसके जिम्मेदार हमारी सरकार होगी। सरकार अगर आपकी बात नहीं माने तो क्या करेंगे अगला? सरकार अगर हमारी बात अभी नहीं मानती है तो इसे भी कड़ा रुख हम लोग अपनाएंगे। आज जैसे ताला बंद किए हैं वैसे डेली रहेगा, सारा इमरजेंसी ठप हो जाएगा और इससे भी जोड़ हड़ताल में हम लोग जाएंगे। सबको जा करके राजभवन में वहीं पर हम लोग हड़ताल देंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम रेनू यादव, ANM। बोलिए। हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं अनुबंध कर्मी जिसका 10-15 साल हो गया, और लोग कोरोना काल में अपने जान जोखिम में डाल के जनता का सेवा किया। सरकार ने कई बार आश्वासन दिया परमानेंट करने का, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। इसके चलते बाध्य होकर 17 तारीख से ये लोग हड़ताल में है और 24 तारीख से भूख हड़ताल पर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं रांची में। क्या रहेगा? जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगी तब तक हम लोग हड़ताल पर रहेंगे। वरीय अधिकारियों से अधिकारी कोई बात करने के लिए हम लोग यहाँ आ ही नहीं रहे। इंजेक्शन दिलवाने आए हैं तो भी काट दिया है। तो आज इंजेक्शन नहीं मिल रहा बच्चे का? नहीं, हो गया है, ये पंचवा डोज है। आज नहीं मिल पड़ा इंजेक्शन? नहीं नहीं। क्यों नहीं पड़ा? अब तो स्ट्राइक में बैठे हुए हैं सर लोग, तो कहाँ से देंगे? अब तो फिर आप वापस जाना होगा आप लोगों को। हाँ,